हेलो स्टूडेंट्स, आई एम संजय त्रिपाठी। आज हम लोग फिजिक्स के कुछ लेक्चर्स देखेंगे, फिजिक्स पे लाइट चैप्टर देखेंगे। लाइट चैप्टर में आप लोगों ने देखा होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से, ठीक है, टॉपिक यहाँ पे आज का। ऑब्जर्व करते होंगे आप लोग, क्योंकि सीधी सी बात है, विदाउट लाइट हम लोग देख नहीं सकते हैं, वी कैन नॉट सी ओके एनी ऑब्जेक्ट। तो सीधी सी बात है, उसमें जो भी फिनोमिना होता है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का होता है। तो बड़े क्यूरियस होंगे आप लोग कि रिफ्लेक्शन होता कैसे। सीधी सी बात है, कोई भी सरफेस पे अगर लाइट इंसिडेंट होता है, ठीक है, कोई भी सरफेस पे अगर लाइट इंसिडेंट होता है तो कुछ पार्ट वहाँ पे रिफ्लेक्ट कर जाना है और कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो जाएगा, एंड रिमेनिंग कुछ पार्ट होते हैं जो ट्रांसमिट हो जाते हैं सरफेस पे, ठीक है। अब जैसे हम बात करें यहाँ पे ट्रांसपेरेंट ग्लास है, ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट ग्लास पे जो भी होता है लगभग 5% लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है, जो कि ट्रांसपेरेंट लाइट है, ट्रांसपेरेंट ग्लास है, तब भी लाइट यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाना है, ठीक है। एंड अगर हाईली पॉलिश्ड मेटल सरफेस है तो सीधी सी बात है अराउंड 80-90% लाइट रिफ्लेक्ट हो जाना है। या अगर हम कुछ अदर बात करें, जैसे और ज़्यादा लाइट आपको रिफ्लेक्ट कराना है तो अक्सर रोज़ आप लोग अपना फेस देखते होंगे मिरर पे, ठीक है, हाँ हाँ देखते होंगे, अच्छे दिख रहे हैं कि बुरे दिख रहे हैं, नहाए हुए लग रहे हैं या नहीं नहाए हुए लग रहे हैं, है ना, आप लोग खुराफाती तो हो ही, है ना। तो क्या करते होगे वहाँ पे, कभी ऑब्जर्व करना कि जब भी आप देखते हो मिरर पे, तो मिरर पे आपको मैक्सिमम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दिखता है, मीन जितनी भी रेज होती है मैक्सिमम लाइट रिफ्लेक्ट कर जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मिरर के बैक साइड में कोटिंग हुई होती है सिल्वर का, ठीक है, सिल्वर की फाइन कोटिंग होती है, वहाँ पे एक लेयर पीछे होता है जिसके वजह से लाइट पास नहीं हो पाती है। तो मैक्सिमम लाइट, जितना भी बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट होता है वो सब रिफ्लेक्ट हो जाएगा, क्लियर है इतना भी। जैसे यहाँ पे बीम ऑफ लाइट आई और सब रिफ्लेक्ट कर गया, वापस आ गया सब, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा। सीधी सी बात है, अब पढ़ रहे हैं फिजिक्स तो सीधी सी बात है कुछ न कुछ लॉज पे तो एग्जिस्ट करेगा ही, लॉज एग्जिस्ट करेंगे ही यहाँ पे। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, सीधी सी बात है, यहाँ आपके सामने स्क्रीन में दिख रहा होगा, ये फिगर यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो क्या करना है, यहाँ पे कोई भी लाइट है जो इंसिडेंट हो रहा है इस मिरर पे, ठीक है, तो ये जो लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है इस पार्ट को क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे बोलेंगे। एंड नॉर्मल ऐसा एक लाइन ऐसा डॉट डॉट करके दिखाया गया है, इसको नॉर्मल रे बोलेंगे। एंड जिस एंगल से यहाँ पे लाइट इंसिडेंट हो रहा है, नॉर्मल रे से यहाँ पे एंगल को मेजर करेंगे। तो सपोज हमने यहाँ पे एंगल आई एज्यूम कर लिया, एंड रिफ्लेक्ट होगा सेम एंगल पे, ठीक है, सो आर यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाना है, ठीक है। तो आई को यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे। एंड आर को यहाँ पे बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो भी इंसिडेंट रे है एंड नॉर्मल रे, एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आपका ये वाला जो पॉइंट होगा जहाँ पे इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे मीट कर रहे हैं, इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो सीधी सी बात है, फर्स्ट लॉ यहाँ पे क्या बोलता है, द इंसिडेंट रे द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ओके। एंड सेकेंड लॉ क्या बोलता है, जिस एंगल से इंसिडेंट होगा सेम उतने ही एंगल से रिफ्लेक्शन भी होना चाहिए, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों सेम होना चाहिए, सो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ओके, दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और नहीं भी समझ में आ रहा है तो कमेंट्स में बता दिया करिए, ठीक है, कुछ इम्प्रूवमेंट किया जाएगा। एंड यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं आप लोग,
जो भी रिफ्लेक्शन होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन हो सकता है एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो सकता है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन यहाँ पे क्या होगा, सिंपल है, जो भी बीम ऑफ पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉल हो रही हैं मिरर पे, अब ये जो सरफेस होगा वो पॉलिश्ड होना चाहिए, ठीक है, प्लेन में हो या प्लेन मिरर हो या कर्व्ड मिरर हो, बट पॉलिश्ड हो, मींस मैक्सिमम लाइट यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाए और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो लाइट, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलेंगे। क्लियर है? जैसे यहाँ पे बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है इस मिरर पे एंड रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो सेम एंगल पे अगर रिफ्लेक्ट हो रहा है तो सीधी सी बात है एंगल ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कर रहा है, तो क्या हो जाना है, ये रेगुलर रिफ्लेक्शन हो जाएगा। एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन यहाँ पे क्या होगा, अब जो भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही हैं, फॉल हो रही हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे, जैसे ऑब्जेक्ट पे बात करिए आप, वॉल हो गया, फ्लोर हो गया, पेपर हो गया, एट्सेट्रा, इन सब में जब भी लाइट रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट होता है तो सारे डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, उसका कोई प्रॉपर एंगल नहीं होगा, ठीक है, मतलब जितने एंगल से इंसिडेंट हुआ था सेम एंगल से रिफ्लेक्ट नहीं होगा, डिफरेंट डिफरेंट एंगल से रिफ्लेक्ट होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोलेंगे। जैसे एग्जांपल आप लोग ले सकते हो, कोई भी बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रहा है, सपोज आप एक अंधेरे कमरे में हो, ठीक है, और थोड़ा सा कहीं कोई रोशनी आ रही है कमरे के अंदर, ठीक है, तो वॉल जो होता है रूम का वो पॉलिश तो होगा नहीं, ठीक है ना, थोड़ा सा वहाँ पे रफ सरफेस होगा, खुरदुरा सरफेस होगा, तो लाइट जब इंसिडेंट होती है डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे इंसिडेंट होगा और रिफ्लेक्शन जो होगा वो भी डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे होगा, तो सीधी सी बात है, एक छोटी सी रोशनी अगर कमरे में आ रही है तो वो रिफ्लेक्शन जो है वो सारे डायरेक्शन में हो जाएगा, जिसकी वजह से कमरे में थोड़ा बहुत उजाला हो जाएगा, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे रिफ्लेक्शन दिखाया है कि कुछ लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है और ये फॉलो कर रही है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कर रही है, मीन्स जिस एंगल से इंसिडेंट हो रहा है नॉर्मल रे से, जिस एंगल से इंसिडेंट हो रहा है यहाँ पे, वो सेम एंगल से यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, बट कुछ रेज ऐसी हैं जो डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे, मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस उनका कुछ और है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कुछ और है, और यहाँ पे सारे डायरेक्शन में स्प्रेड होती जा रही हैं, ठीक है ना, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में स्प्रेड कर जाएंगी वो लाइट, मींस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो नहीं करेगा वो। क्लियर है इतना अभी? उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोलेंगे। यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होता है, जैसे आप लोग कभी जाओ बार्बर के शॉप पे, अरे हाँ हाँ नाई के शॉप पे, अच्छा ठीक, बार्बर के शॉप पे जाते हो जैसे, हाँ कुछ लोग तो दाढ़ी बढ़ा के रखे होंगे, है ना, बाल वाल बढ़ा के रखे होंगे, तो वो तो नहीं जाते होंगे, लेकिन जो जाते हैं उनके लिए बात कर रहा हूँ, वो ऑब्जर्व कर सकते हैं कि सपोज अगर जो मिरर है मिरर को थोड़ा सा टिल्ट कर दिया जाए इस तरीके से और आपको ऐसा बीच में बैठा दिया जाए, ठीक है, तो यहाँ पे मिरर जिस एंगल से, जो स्लोप से ऐसा टिल्टेड है यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा जो एंगल बनाएगा हॉरिजेंटल से, ठीक है, ये यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे तो आपको ये ऐसा बैठा दिया है बार्बर वाले ने, और देख रहे हो आप ऐसा फ्रंट में अपना फेस यहाँ पे देख रहे हो, देखोगे तो यहाँ से एक इमेज बनेगा ऐसा पीछे इस साइड में बनेगा, फिर वापस से इस साइड में बनेगा एंड वापस से इस साइड में बनेगा, मीन्स कई सारी इमेजेस यहाँ पे फॉर्म होती हैं, तो वो नंबर ऑफ इमेज को ही फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा, n इज इक्वल टू 360 अपॉन थीटा माइनस 1। ओके, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो रेशियो है 360 अपॉन थीटा, क्या है, 360 अपॉन थीटा, ये जो रेशियो है अगर इसकी वैल्यू इवेन आ गई, ठीक है, तब तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, n इज इक्वल टू 360 अपॉन थीटा माइनस 1। ओके, थीटा यहाँ पे क्या है, एंगल, वही जो मिरर हमने रखा था यहाँ पे, ये जो मिरर रखा है कितने एंगल पे रखा हुआ है वही थीटा हो जाना है, ठीक है, ये कंडीशन हो गया यहाँ पे, तो नंबर ऑफ इमेज यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। इन केस अगर 360 अपॉन थीटा मीन्स ऑड नंबर है, ये तो हमने फर्स्ट कंडीशन देख लिया कि इवन नंबर है, तो नंबर ऑफ इमेज फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला अप्लाई किया,
एन इज इक्वल टू 360 अपॉन थीटा माइनस वन। एंड अगर यहाँ पे बात करें हम लोग कि 360 अपॉन थीटा अगर ऑड इंटीजर है तो कंडीशन होना चाहिए कि जो भी एंगल है, ये जो एंगल फॉर्म कर रहा है यहाँ पे मिरर, ये एंगल थीटा के बाइसेक्टर पे कहीं यहाँ ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है ना। अगर 360 अपॉन थीटा की वैल्यू ऑड इंटीजर है तो सीधी सी बात है यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट है वो लाई करना चाहिए ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल थीटा। बाइसेक्टर मीन्स कहीं ये जो एंगल यहाँ पे है इसको टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हुए यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट इस प्लेस पे ऐसे रखा हुआ है, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पे नंबर ऑफ इमेज फाइंड आउट करने के लिए सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एन इज इक्वल टू 360 अपॉन थीटा माइनस वन। ओके, इन केस अगर 360 अपॉन थीटा यहाँ पे ऑड इंटीजर तो है, ठीक है, बट ये इसके बाइसेक्टर पे लाई नहीं कर रहा है, कहीं पे भी ऐसे इमेज यहाँ पे रखा गया है किसी भी एंगल पे, ठीक है, एंगल यहाँ पे बाइसेक्टर नहीं है, ठीक है ना। मतलब ऑब्जेक्ट जहाँ पे रखे हैं वो इक्वल, ऐसा जो बाइसेक्टर ऑफ द एंगल है इसके इसको ध्यान में नहीं रखा है, ठीक है, कहीं भी रैंडमली रख दिया है वहाँ पे, बट 360 अपॉन थीटा ये जो रेशियो होगा ये ऑड इंटीजर है तो उसके लिए जो नंबर ऑफ इमेज फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होगा वो हो जाना है एन इज इक्वल टू 360 अपॉन थीटा। क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे कंडीशन है जो भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है मिरर के सामने, ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पे सपोज कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सपोज यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और उसका इमेज यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है इमेज का, और ये कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मीन्स मिरर हमने अज्यूम कर लिया, प्लेन मिरर है और ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पे ह्यूमन आई है, ठीक है ना। जितने डिस्टेंस पे होगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट, सेम डिस्टेंस पे यहाँ पे इमेज फॉर्म होगा, एंड जो भी साइज होगा ऑब्जेक्ट का सेम साइज यहाँ पे इमेज का भी फॉर्म होगा, ठीक है ना। बट लेटरल इन्वर्जन होता है यहाँ पे। लेटरल इन्वर्जन का मतलब क्या है कि अगर आप मिरर में देखते हो सामने तो आपको इरेक्ट इमेज तो फॉर्म होगा, ठीक है, इरेक्ट होगा एंड देखोगे वहाँ पे। लेटरल इन्वर्जन का मतलब ये हो जाएगा कि आपको लेफ्ट का राइट में दिखेगा और राइट का लेफ्ट साइड में दिखेगा, ठीक है, तो वो लेटरल इन्वर्जन का कंसेप्ट हो गया यहाँ पे। बाकी इरेक्ट इमेज फॉर्म हो रहा है ऐसा है नहीं कि उल्टा इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होगा वहाँ पे, तो इरेक्ट इमेज फॉर्मेशन होगा वहाँ पे, मतलब आप सीधे दिख रहे हो तो सीधे ही दिखोगे, ठीक है, उल्टा नहीं दिखोगे, बस स्वाइपिंग हो जाता है कि लेफ्ट साइड का राइट को दिखता है और राइट साइड वाला लेफ्ट साइड में दिखेगा, ठीक है, तो उसको लेटरल इन्वर्जन बोलेंगे वहाँ पे। एंड वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा। वर्चुअल इमेज का मतलब यहाँ पे क्या है, बिहाइंड द मिरर यहाँ पे इमेज फॉर्म हो रहा है, बिहाइंड द मिरर इमेज का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन यहाँ पे मैंने आपको सारा कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो होगा इमेज फॉर्मेशन के टाइम पे बाई अ प्लेन मिरर ये हमने डिस्क्राइब कर दिया। अब यहाँ पे स्फेरिकल मिरर क्या होगा, सीधी सी बात है जो भी पोर्शन है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, ठीक है ना, वो कहीं ना कहीं स्फीयर का पार्ट होता है, ऐसा इस तरीके से होगा यहाँ पे, उसी को कट कर दिया अगर हमने टू पार्ट्स में, मतलब जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है अगर वो टूवर्ड्स सेंटर है। स्फेरिकल मिरर की बात करें अगर हम यहाँ पे, तो स्फेरिकल मिरर आपका ये इस तरीके से कहीं स्फेरिकल शेप में होगा यहाँ पे। अब सीधी सी बात है द पोर्शन ऑफ अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ अ स्फीयर इज कॉल्ड अ स्फेरिकल मिरर। सीधी सी बात है स्फेरिकल मिरर यहाँ पे टू टाइप्स का होगा, कॉनकेव स्फेरिकल मिरर होगा एंड कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर होगा। कॉनकेव स्फेरिकल मिरर में यहाँ पे क्या होता है, अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फीयर, ठीक है, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो सेंटर ऑफ द स्फीयर के टूवर्ड्स होगा एंड उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉनकेव स्फेरिकल मिरर बोलेंगे। कॉनकेव स्फेरिकल मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी बोल सकते हैं, हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी बोलेंगे यहाँ पे। एंड कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर के केस में क्या होगा, अच्छा यहाँ पे ध्यान देना,
ये जो भी इमेज यहाँ पे फॉर्मेशन है, कोई पैरेलल बीम ऑफ लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है या सीधे ये रिफ्लेक्ट होगा, मीन्स इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा है, ये इनवर्ड डायरेक्शन में है ये, ठीक है। तो सेंटर के टूवर्ड्स है एंड आउटर लेयर जो है यहाँ पे वो कोटिंग है यहाँ पे, ठीक है। सो मिरर की तरह बिहेव करेगा, ओके। तो इमेज फॉर्मेशन यहाँ पे क्या हो जाना है, इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, समझ में आ रहा है, ठीक है। अभी डिस्क्राइब करते हैं हम आगे और डिटेल में। यहाँ पे कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर क्या हो जाना है, एक तरह से इसको डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं हम, इसको डाइवर्जिंग मिरर भी बोलेंगे यहाँ पे। ओके, एंड क्या है यहाँ पे इसका डेफिनेशन, अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर फॉर्म्स अ पार्ट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। यहाँ पे ध्यान देते हैं, जो भी स्फेरिकल मिरर हमने बताया, कॉनकेव स्फेरिकल मिरर के केस में यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग पोर्शन जो होगा वो सेंटर के टूवर्ड्स होगा, यहाँ पे इनवर्ड डायरेक्शन में दिखा रहे हैं, कोई बीम ऑफ लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हुआ और वापस हो जाएगा, ठीक है। पैरेलल बीम ऑफ लाइट आया और इंसिडेंट हुआ, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका टूवर्ड्स द सेंटर है, मीन्स ये इनर पोर्शन यहाँ पे जो दिखाया हुआ है हमने, ठीक है। एंड कॉन्वेक्स मिरर यहाँ पे क्या होगा, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होगा वो आउटर में होगा, यहाँ इस साइड में ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इस साइड में, एंड ये इधर कोटिंग है यहाँ पे, मीन्स कोई भी लाइट आया इंसिडेंट हुआ एंड डाइवर्ज कर जाना है, एंड वापस यहाँ पे भी डाइवर्ज कर जाएगा, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर के केस में क्या हो रहा है, जो भी बीम ऑफ लाइट है वो कन्वर्ज हो जा रही है, एंड कॉन्वेक्स मिरर के केस में देख रहे हैं जो भी बीम ऑफ लाइट है वो डाइवर्ज हो जा रही है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, इनका करेक्टरिस्टिक्स भी यहाँ पे शो हो जाना है। ये जो कन्वर्जिंग मिरर है, कन्वर्जिंग मिरर के केस में देख रहे हैं जो इमेज यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है वो इन्वर्टेड फॉर्म में हो रहा है, एंड कॉन्वेक्स मिरर के केस में देख रहे हैं इरेक्ट इमेज फॉर्म हो रहा है, ठीक है। इरेक्ट मीन्स ऐसा सीधा आदमी दिख रहा है यहाँ पे, एंड इन्वर्टेड मतलब यहाँ पे क्या हो जाना है कि ये पूरा इमेज यहाँ पे उल्टा दिख रहा है, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो ये हमारा हो गया कॉनकेव मिरर एंड दिस वन इज कॉन्वेक्स मिरर। कुछ डेफिनेशंस हैं यहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, सीधी सी बात है, ये जो भी हमारा स्फेरिकल पार्ट है यहाँ पे, ये पूरा स्फेरिकल पार्ट है, इसका सेंटर यहाँ पे होगा, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, ठीक है। इसको कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड जो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल के इन बिटवीन जो डिस्टेंस होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द पोल इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर, इट इज डिनोटेड बाई आर, इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल आर। एंड पोल यहां पे क्या होगा, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, पोल ऑफ द मिरर, पोल ऑफ द मिरर, ओके। सो नेक्स्ट पार्ट इज प्रिंसिपल एक्सिस, यहां पे क्या हो जाना है, ये जो लाइन है आपका स्ट्रेट लाइन यहां पे दिखा रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे, ठीक है। ये पार्ट आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया यहां पे, एंड फोकस जहाँ पे जो भी बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही हैं रिफ्लेक्ट होके वापस आएंगी, या तो यहाँ पे होंगी, ठीक है, या जिस पॉइंट पे मीट कर रही हैं, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे यहाँ पे, क्लियर है। एंड फोकल लेंथ क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड द पोल, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ, एंड फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये क्या होगा, यहाँ फोकस से लेके पोल तक का जो डिस्टेंस है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ बोलेंगे, बात समझ में आ रहा है, हाँ। और ये हो गया आपका कॉन्वेक्स मिरर यहाँ पे, ठीक है, ये कॉन्वेक्स मिरर है यहाँ पे, तो सीधी सी बात है फोकस यहाँ इस साइड में है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे होगा, ठीक है। एंड प्रिंसिपल एक्सिस ये वाला जो लाइन पोल से पास होते हुए दिख रहा है यही प्रिंसिपल एक्सिस होगा, एंड रिफ्लेक्टिव सरफेस जो होगा ये अवे फ्रॉम द सरफेस होगा, मीन्स ये आउटर लेयर जो है यहाँ पे यही रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, क्लियर है। अपर्चर यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो भी डायामीटर होगा यहाँ पे, जो भी
डायामीटर होगा ये मिरर का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो इनको हम इंडिकेट कर सकते हैं ए टू बी, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, अपर्चर बोलते हैं, क्लियर है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस यहाँ पे क्या होगा, सीधी सी बात है, द पॉइंट एट विच अ नैरो बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द मिरर पैरेलल टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर मीट्स और अपीयर्स टू कम फ्रॉम इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस ऑफ मिरर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल एफ, हमने ऑलरेडी आपको बता रखा है यहाँ पे, ये जो एफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यही आपका प्रिंसिपल फोकस हो जाना है, ठीक है। एंड फोकल लेंथ भी मैंने आपको बता दिया, द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड पोल, दैट इज फोकल लेंथ, ओके। तो वो हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं इसको। स्फेरिकल एबरेशन यहाँ पे क्या हो जाना है, कोई भी स्फेरिकल मिरर है, लार्ज अपर्चर होगा, लार्ज अपर्चर मीन्स यहाँ पे हमने बताया आपको जो भी डायामीटर है ये इस तरीके से यहाँ पे इंडिकेट कर दिया हमने ये, ठीक है। लार्ज अपर्चर होगा यहाँ पे, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं, ठीक है। तो कोई भी स्फेरिकल मिरर है, अगर लार्ज अपर्चर है तो सीधी सी बात है जो भी लाइट इंसिडेंट हो रहा है मिरर पे, ठीक है, तो वो फॉर्म होगा यहाँ पे एक ब्रॉड बीम ऑफ पैरेलल रेज लाइट आएंगी यहाँ पे, ठीक है, जो कि किसी एक पॉइंट पे मीट करती हैं, ठीक है। बट एबेरेशन के केस में यहाँ पे क्या होगा कि सारी बीम ऑफ लाइट्स जो आ रही है ना वो सारा जरूरी नहीं है किसी एक पॉइंट पे मीट करेंगे, ठीक है, वो थोड़ा सा यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, थोड़ा सा डिफेक्ट होगा वहाँ पे, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। ज़्यादा डिटेल में इसका एग्जांपल हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे विद डायग्राम वगैरह, ठीक है। और अगर विजुअलाइज कराना चाहें तो होप सो आप लोग समझ लेंगे, ठीक है, कि कभी कभी देखते हैं कोई चीज़ ब्लर दिख रहा है, ठीक है ना, तो उसका इमेज प्रॉपर फॉर्म नहीं होता है, तो जो भी बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही हैं मिरर पे वो प्रॉपर किसी एक पॉइंट पे जैसे फोकस पे मीट करती है तो इमेज फॉर्मेशन होता है वहाँ पे, तो वो प्रॉपर वहाँ पे सारी लाइंस मीट नहीं करेंगी, कुछ लाइन मिस हो जाती हैं वहाँ पे, ठीक है, तो जिसकी वजह से एबेरेशन का कंसेप्ट यहाँ पे डेवलप होता है, ठीक है, वो थोड़ा सा डिफेक्ट वहाँ पे अकर होगा जिसकी वजह से प्रॉपर दिखता नहीं है, इमेज फॉर्मेशन ठीक से नहीं होगा, ब्लर दिखेगा, ओके। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नई एनर्जी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।